नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू मैप ऑफ मी मॉर्निंग शो। मेरा नाम राधिका है और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और मैं आज आपकी होस्ट भी हूँ। मेरे पीछे एक साइकिल है और आज बहुत सुंदर दिन है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के शो के लिए। बट मैप ऑफ मी है क्या? ये एक डिजिटल मोबाइल प्लेटफॉर्म है स्किल डेवलपमेंट के लिए और आज यूथ स्किल डे भी है और इस दिन एज अ ट्रैवल ब्लॉगर मैं आपको एक एक्साइटिंग जर्नी पे लेके जा रही हूँ, योर प्रोफेशनल जर्नी। तो यही है मैप ऑफ मी, ये प्लेटफॉर्म है आपके करियर ग्रोथ के लिए। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपको नई जॉब चाहिए, ये आपके हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स में हेल्प करेगा आपके करियर के लिए। तो आप यहाँ पे बहुत सारे इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स से मिलोगे, जैसे कि एडवेंचरर्स, बी कीपर्स, ई रिक्शा ड्राइवर्स, एनर्जी कंजर्वेटिव हीरोज, और वो कैसे दुनिया बदल रहे हैं आप ये सीख सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। हम लोगों को क्या चाहिए काम पे जाने के लिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? एज अ यंग वुमेन हम लोगों को क्या चाहिए? हम नेगेटिवली भी बात कर सकते हैं बहुत सारी कि क्लाइमेट चेंज है दिल्ली में। ऑफ कोर्स दिल्ली बहुत ही पोल्यूटेड सिटी है, बट इस शो के माध्यम से हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम अपना क्लाइमेट पे इम्पैक्ट कैसे कम कर सकते हैं और कैसे 1 मिलियन यंग वुमेन को हम एम्पावर कर सकते हैं जॉब्स के लिए और उनके लिए कैसे ये एनवायरनमेंट सेफ बना सकते हैं। हम साथ ही साथ इन क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो मैं याद दिलाना चाहूँगी, आज यूथ स्किल डे भी है और आज लॉन्च भी है मैप ऑफ मी का। तो आज के शो के लिए हम बात करेंगे बहुत ही सारे यंग लोगों से कि वो करियर में और वो दिल्ली में क्या चाहते हैं, तो उनसे बात करते हैं। How do you think women can thrive in their businesses apart from, you know, climate change and safety, but what all should be there? So Delhi or even NCR region mein mujhe lagta hai ki public transport, agar hum sustainably travel karna chahte hain to public transport ek bahut hi acha mode hai, but usko hame bahut zyada safe, secure, clean karna padega, I think. जैसे अब हम कोविड के टाइम पे डिस्टेंसेस मेंटेन कर रहे हैं या सैनिटाइज कर रहे हैं चीज़ों को, आई थिंक ये एक रेगुलर चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि अब हमारे ऊपर एक पैंडेमिक का प्रॉब्लम आ गया इसलिए हम साफ रहना शुरू कर दें या हम लोगों से दूरी बनाना शुरू करें। नॉर्मली अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मुझे याद है जब मैं तब लेती थी, जब मेट्रो में लेडीज कोच नहीं होता था, तब लोग स्पेशली मेन सब पर जानबूझकर आपसे चिपक के खड़े होने की कोशिश करते हैं एंड ऑल दिस। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ की वजह से अल्टीमेटली लेडीज़ कोच आया, बट हर जगह को आप एक लेडीज़ कोच या लेडी फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं बना सकते। तो आपको एक सोसाइटी में ये चीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है कि नॉर्मली विमेन के साथ या बच्चों के साथ, लोगों के साथ एक बेटर व्यवहार होना चाहिए, लोगों को अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। दिस शुड बी इन द सोसाइटी। हम अपनी बसेस में हम ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाएं, ज़्यादा साफ और विद मोर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पीपल, फॉर विमेन, हम उनको चलाएं जिससे उन्हें सेफ महसूस हो ट्रैवल करते समय। बहुत बहुत शुक्रिया वर्तिका अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बताने के लिए। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि दिल्ली में इतने प्रदूषित वातावरण में ये लड़कियाँ तब भी एक्रो योगा कर रही हैं और अपना पैशन फॉलो कर रही हैं, और यही सबसे अच्छी बात है मैप ऑफ मी की। आप इस पे साइन अप कर सकते हैं और बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी जीत सकते हैं, जैसे कि ये हेलमेट फॉर एग्जांपल। बस आपको साइन अप करना है, रजिस्टर करना है और आप ऐसी गुडीज़ भी जीत सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज़ दिल्ली की सेफ्टी। मैंने दो लड़कियों से, वुमेन ड्राइवर से बात करी है जो सखा कैब के लिए काम करती हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं दिल्ली की सेफ्टी के ऊपर। मेरा नाम मोहिता है, मैं नॉर्थ दिल्ली जहांगीरपुरी में रहती हूँ यहाँ दिल्ली में, और मैं लास्ट 2 ईयर से एज अ कमर्शियल ड्राइवर जॉब कर रही हूँ सखा वुमेन विद डील्स नाम से कंपनी है। और बेसिकली दादा दादी टाइम से हम लोग बरेली उत्तर प्रदेश के हूँ बेसिकली, बट दिल्ली में जब से मैं बॉर्न हुई दिल्ली में ही रहती हूँ। और मैं कमर्शियल ड्राइवर, एज अ कमर्शियल ड्राइवर लास्ट 2 ईयर से जॉब कर रही हूँ कंटिन्यू एक सेम कंपनी में, जहाँ आज़ाद फाउंडेशन नाम से NGO है जो हमें ट्रेनिंग करता है ड्राइविंग के लिए। सब तो 6 से 8 महीने का प्रोसेस होता है जिसमें वो हमें ड्राइविंग करना सिखाते हैं और भी कोर्स, मतलब उसी के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग, सेल्फ डिफेंस, ये सारे कोर्सेज उसी के अंदर होते हैं 6 से 8 महीने में। अच्छा अच्छा,
आपकी जॉब में आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? जब हम गेस्ट को लेकर जाते हैं और फिर उनको साइड की भी हम खुद करवाते हैं तो वो लोग बहुत खुश होते हैं कि हम खुद ही टीमें लोग ड्राइव भी कर रहे हैं प्लस उनको गाइड भी करते हैं, जैसे अपना ये ओल्ड दिल्ली है, रेड फोर्ट वगैरह मोन्यूमेंट, ये हम घुमाते हैं उनको, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो फिर जो हमें वो फीडबैक देते हैं उससे बहुत खुशी मिलती है। आपको ये लगता है कि दिल्ली में चेंजेस आने चाहिए वुमेन की सेफ्टी के लिए, पोल्यूशन के लिए थोड़े बहुत की बेटर हो सके लड़कियों के लिए चीज़ें, या पोल्यूशन कम हो सके, ऐसी कौन कौन सी आपको लगता है कैसी चीज चेंजेस आने चाहिए स्पेशली वुमेन के लिए? स्पेशली फॉर वुमेन सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेफ्टी होनी चाहिए हर कहीं। हम जैसे कहीं पर भी जाते हैं सबसे ज़्यादा शुरुआत देती है वो स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट, अगर लाइटिंग वगैरह होगी, अंधेरा नहीं होगा रात में भी, तो फिर आराम से कहीं आ जा सकते हैं। और यहाँ लगता है कि हाँ भाई आगे जाके तो लाइटिंग ही नहीं है, तो हम अपने नियर बाय की, अपने यहाँ की बात करें तो हमें खुद डर लगेगा कि नहीं वहाँ तो लाइटिंग नहीं है, या 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद नहीं जाना, पहले से पहले ही काम करके वापस आ जाओ। तो सबसे पहले ये होना चाहिए सेफ्टी के हिसाब से। तो बाकी अब प्रोग्रेस तो मैं देख ही रही हूँ कि मतलब जिस हिसाब से हम पहले ड्यूटी से नहीं निकलते थे, अभी 2 साल से थोड़ा ज़्यादा निकलना शुरू किया है, तो हर जगह पुलिस वाले खड़े हुए देखते हैं। अच्छा, अच्छा। पहले इतने पुलिस वाले भी नहीं दिखते थे। अच्छा, हाँ अब तो ज़्यादातर पुलिस खड़ी रहती है जगह जगह। पॉल्यूशन के बारे में आप क्या कहेंगे, आपको प्रॉब्लम होती है जब दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से ड्राइव? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल तक दिल्ली वालों ने सच में दिल्ली में बहुत ज़्यादा आए हैं, मतलब ब्लेम करते हैं दिल्ली वालों को कि दिल्ली वालों की वजह से बढ़ा है पॉल्यूशन। गाड़ी है, एयर कंडीशन जो है, एसी लगे हुए हैं सब में, तो इस वजह से लगता है कि हाँ पॉल्यूशन यहाँ ज़्यादा है। कुछ भी मौसम के सब कुछ भी, कहीं बारिश होनी होती है तो नहीं हो जाती है, नहीं होनी होती है तो हो जाती है, मतलब मौसम का कुछ परफेक्ट नहीं है। कितनी बहादुर लड़कियां थी ना ये, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि एज अ वुमेन इसमें इतना करेज था कि ये रात को भी ड्राइव पे जा सकें। क्या आपको पता है मैप ऑफ मी एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारी वीडियो स्टोरीज जान सकते हैं दूसरे लोगों की। अगर आप 11th-12th क्लास में हैं, या आपको अपना नया करियर स्टार्ट करना है, या आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपको सारी स्टोरीज एक ही प्लेटफॉर्म पे दे देगा जो आपको इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, आपको आइडियाज़ देगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसी के ऊपर मैंने थोड़ी बहुत रजत से बात करी थी जिसने अपना मेल पर्सपेक्टिव दिया था अपने फीमेल फ्रेंड्स का, तो देखते हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक पे क्या है। फॉर वुमेन डोंट यू थिंक इट्स वेरी अनसेफ बाहर जाना, स्पेशली क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, और जैसे अगर हम भी साइकिल करें तो लोग देखते हैं, स्टेयर करते हैं और लोग लगता है कि दिस इज टू प्योर, तो उसका क्या? सिंस मैं दिल्ली आई हूं तो अगर मैं दिल्ली के पर्सपेक्टिव से आपको बोलूं तो दिल्ली is actually very unsafe when it comes to women. I mean, aap cycling hi chhodiye, aap if you go out, agar aap normal bhi idhar udhar kahin jayenge, it's like aapko har time kam se kam 4-8 aankhein dekh rahi hongi, and you will never, you know, kind of not feel comfortable. Even though sab log bure nahi hain, there are kind of kafi sare log hain jo kafi acche hain, but agar main ratio mein baat karu to around 6 out of 10 people aise hain jo, you know, they don't look at women जहाँ पे लड़की को लगे कि वो safe feel कर रही है। एक लड़की के लिए या किसी के लिए भी cycling में सबसे बड़ा issue यही होगा कि you know वो safe hours में cycling करे, and then within a restricted parameter, because cycling एक ऐसी चीज़ है जो it's very good for health, but then अगर आपको लोग देख रहे हैं तो you will never be ever be feeling comfortable. Government measures डाल रही है, government are doing a lot of things, but like clear picture यही है कि not everything is working out for people. Delhi mein aapko kya lagta hai kya kya change hona chahiye jo women ke liye bhi safety badh sake aur Delhi ka climate improve ho sake aur pollution kam ho sake? Delhi mein I think ladkiyon ke liye to simple si baat ek hi hai ki mentality change hona bahut zaruri hai mentality change hona, aur khaskar ladkon ki mentality change hona. Ab main sirf ladke bhi nahi bolunga, main aise सीनियर सिटीजन्स और ऐसे ऐसे माँ बाप, या इवन किसी किसी से मैं ऐसे कमेंट सुन चुका हूँ कि आपको लगेगा कि अगर ये सीनियर लोग
लड़कियों को लेके ऐसे सोचते हैं कि आपने शायद देखा भी होगा कि वो लोग लड़कियों को लेके ये भी कहते हैं कि यू नो मतलब एक तरीके से इनको ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, मतलब उनकी फ्रीडम उनकी घर में ही रोक दी जाती है. तो आई थिंक अगर आपको लड़कियों को सेफ फील कराना है ना, तो आपको पहले सीनियर्स को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि यूथ अगर देखेगा, अगर आप सीनियर्स में एक भी बोलेगा ना, तो यूथ फिर भी मोटिवेट हो जाएगा, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा. बट एजुकेशन, नॉलेज और एक तरीके का डर बैठाना भी बहुत जरूरी है, कि अगर आप कुछ भी ये कमेंट करोगे या आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो ठीक नहीं है, तो उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं. हम सबको मालूम है कि सॉफ्ट स्किल डेवलप करना बहुत मुश्किल है, बट सॉफ्ट स्किल एग्जैक्टली है क्या? जैसे CV बनाना, टाइम पे जाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ढूंढना. मेरे लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है, बट एग्जैक्टली सस्टेनेबिलिटी है क्या? इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनवायरनमेंट, कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें करें, बट हम विमेन को एक साथ कैसे लेकर डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स आगे ला सकते हैं. और इसी के ऊपर मैंने एक और लड़की से बात करी जिसका नाम है नयनिका. अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो, कैसे स्टार्ट किया, कितना टाइम हो गया काम करते हुए, दिल्ली में कितना टाइम से हो, ऐसे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन. दिल्ली इट इज अबाउट टू बी 1 ईयर नाउ. आई वेंट टू दिल्ली इन 2019 जुलाई एंड अप्रॉक्स, सो इट इज गोइंग टू बी सो ऑब्वियसली 1 ईयर. एंड BT ट्रेनिंग एसोसिएट. So there in BT it is going to be 8 months. Basically Devaria ko belong karti hu. Devaria UP mein hai, a small district Gorakhpur ke paas. Aur maine apna BTech Kanpur se kara hai. Ke baad then I moved to Delhi. Aapko Delhi kaisa laga jab aap aaye idhar, to baki jahan pe aap pehle the usse comparatively kaisa laga? Unsafe tha ya pollution zyada tha ya kuch problems hui? Crowd बहुत ज्यादा क्योस है दिल्ली में. जब मैं कानपुर में थी तो आई यूज टू थिंक, जब लोग दिल्ली की बातें करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब अगर मैं जाऊंगी तो हाउ विल आई सर्वाइव, मैं कैसे रहूंगी, लाइक इट्स अ बिग सिटी. और फिर आप जनरली बहुत से स्टोरीज भी सुनते हो दिल्ली से रिलेटेड, लाइक रिलेटेड टू क्राइम और ये सब चीजें. सो आई वॉज वरीड and I moved to Delhi and then I realized there's no difference actually. People they are same like us. And matlab I haven't faced any issue. Abhi tak mujhe koi problem nahi hai Delhi mein wahan ke logo se interact karne mein ya fir traveling mein koi issue nahi hai. It's normal. Bas aisa hota na jab aap kahin nahi rehte ho and when you think about it to aapko aisa lagta hai ki ha शायद टफ हो सकता है वहाँ सर्वाइव करना, बट ऐसा है नहीं. हमें BT कैब प्रोवाइड करती है तो इशू नहीं होता. लाइक बिगनिंग में ऐसा था, इट इज अबाउट 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर आई स्टे, तो फिर मुझे बिगनिंग में कुछ दिनों के लिए मेट्रो से भी ट्रैवल करना पड़ा. सो माई शिफ्ट इज 1 to 10. सो यूजली आपने सुना भी होगा कि रात में ट्रैवल करना सेफ नहीं है, ये नहीं है, बट मैंने कर रहा है और मुझे ऐसा नहीं लगा कि इट इज अनसेफ, आप ट्रैवल नहीं कर सकते. जैसे आपके दिल्ली में बहुत सारे लेडीज फ्रेंड्स होंगे, उनको उनसे कभी बात हुई है कि उनको क्या चाहिए ऑफिस जाने के लिए, कुछ चेंजेस चाहिए क्या उनको दिल्ली में, या दे आर ओके विद मेट्रोस पोल्यूशन, या दे वांट समथिंग टू चेंज कि वो ट्रैवल इजीली कर पाए और उनका थोड़ा करियर बनाने का जो पाथ है वो हो जाए, कभी ऐसा कुछ डिस्कशन? ट्रैवलिंग से तो रिलेटेड इशू नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है एवरीवन प्रेफर्स मेट्रोस, तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है दिल्ली में हमारे पास. एंड जॉब की बात करें तो या दैट इज आल्सो अवेलेबल, लाइक ऑफ कोर्स कंपटीशन तो हर जगह है, वेदर इज दिल्ली और बैंगलोर एंड एनी प्लेस यू गो. बट अगर आपको चाहिए, आपको पता है कि आपको ये चीज़ चाहिए, यू कैन गेट इट ईजली. लाइक थोड़ा फोकस और थोड़ा टारगेट तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा. Else is up to आप क्या चाहते हो, you would surely achieve it if you want it. मुझे नयनिका की ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो अपना एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट रिड्यूस करने के लिए मेट्रो से ट्रैवल करती है. बट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपना हम पाथ खुद ही पेव करें. और ऐसी ही मेरी कुछ कॉन्वर्सेशन रही थी नेक्स्ट लड़की के साथ जिसका नाम है कौशिकी.
वो बाहर से आई हैं, वो दिल्ली की नहीं है, और इस एनवायरनमेंट में उन्होंने कैसे अपना पीजी लेकर अपनी जॉब और अपना करियर डेवलप किया, एस्टैब्लिश किया, हम कुछ इसी बारे में उनसे बात करेंगे। मैंने बीटी ज्वाइन करी है इन अक्टूबर 28 अक्टूबर से, और मैं यहाँ पे एज अ सर्विस डेस्क काम कर रही हूँ। लाइक वी बेसिकली हेल्प द यूजर्स फ्रॉम यूएस एंड यूके टू इन यू नो लाइक इफ दे फेस एनी इशू। सो अगर उन्हें कोई इशू हो रहा है उनके सॉफ्टवेयर में, उनके कोई एप्लीकेशन में, या तो टॉप वो यूज तो कॉन्टेक्ट अस टू गेट, सो हम बेसिकली वैसे हेल्प करते हैं। अगर दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली तो अच्छा है, घूमने के लिए भी ठीक है, लोग भी वहाँ पे अच्छे लगे। और अगर मैं वैसे गुड़गांव में रहती हूँ तो मैं वहाँ की बात करूँ तो वहाँ पे भी सब ठीक है, बट जिस, या मैं ये कह सकती हूँ जिस लोकेलिटी में मैं रहती हूँ वो मुझे थोड़ी सी अच्छी कम लगी एज कम्पेयर टू और अदर जो और भी लोकेलिटीज हैं उसके आस पास। क्योंकि मेरे लोकेलिटी में क्या है ना कि जो रोड्स हैं वहाँ पे वो थोड़ी प्रॉपर नहीं है, आप कह सकते हो थोड़ी उबड़ खाबड़ टाइप की है, तो मेरी कैब मेरे डोर स्टेप तक पहुँच नहीं पाती। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि मुझे गार्ड अपॉइंट कराना पड़ा, फिर इफ आई एम हैविंग गार्ड टू, फिर भी ये उतना सेफ नहीं होता ना कि आप यहाँ से मान लो 30 मीटर या 50 मीटर पैदल जा रहे हो गार्ड के साथ, उसके कंपैरिजन में देखो तो वो अच्छा है कि आपको कार ही डोर स्टेप तक छोड़ के आए। तो ये वाला मुझे मेरे लोकेलिटी का थोड़ा ठीक नहीं लगा क्योंकि वहां तक कार पहुंच ही नहीं पाती बिकॉज ऑफ दिस रोड इशू वहां पे गुड़गांव में। और जिस लोकेलिटी में मैं रहती हूँ वहां का एक प्लस पॉइंट ये है कि उसके आस पास सारी चीजें हैं, मतलब सारे मॉल्स हैं और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं आप कह लो मैक्सिमम मेरे को लगता है सारे वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और अच्छे अच्छे हैं सारे, ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा है उसमें, सारे बहुत अच्छे अच्छे। पर क्या सिटी सच में इक्विप्ड है 1 मिलियन लोगों को हेल्प करने के लिए? इसका आंसर देगी रितिका, जो ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में, ऐसे टाइम में भी उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया था कि वो साइकिल अपनी लाइफ में कैसे अडाप्ट कर सकती हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन हुआ कि आप काम पे साइकिल लेके जा सको और कैब्स हटा दें और लेन्स भी है सब कुछ है जैसे आपने सजेस्ट किया, तो आप साइकिल से जाना प्रेफर करोगे अगर वैसी फैसिलिटीज आ गई? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आई रियली लाइक यू नो वर्किंग आउट एंड इट्स अ वेरी गुड वर्कआउट, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, सो आई वुड लव टू अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में हो जाता है। बिकॉज हमारा यहाँ से वर्किंग जो हम जाते हैं लाइक गुड़गांव का डिस्टेंस दिल्ली से बहुत ज़्यादा है, तो थोड़े पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे इन रिगार्ड्स टू सेफ्टी एज वेल, बिकॉज आप किस शिफ्ट में वर्क कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आप लेट होते हो नहीं। बट येस इट्स अ गुड ऑप्शन, आप पास में कहीं जा रहे हो या आपके पास टाइम है टू स्पेंड एंड यू कैन स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू गो टू अ सर्टेन प्लेस, सो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन, इट्स अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। Like society में हम generally आपको क्या लगता है कि क्या changes आ सकते हैं कि safety और pollution ये सब चीजें improve हो जाएं generally, कि क्या cycling के अलावा जैसे one of the solution ये है but और क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है जैसे safety की अगर बात हो रही है, बहुत पहले दिल्ली में एक वो आया था कि विमेंस के लिए सारी फ्री कर दी है मेट्रो में एंड ऑल, तो मुझे लगता है फ्री करने की जगह उनको और अलग इनिशिएटिव्स पे देखना चाहिए, बिकॉज एक एक जेंडर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। एंड ये राइट टू सेफ्टी इट्स नॉट अ स्पेशल अलाउंस जो लड़कियों को मिलता है, आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ आर, कि ये नीड ऑफ आर है कि हम सेफ फील करें, गर्ल्स सेफ फील करें, उनको नहीं हो रहा है इसलिए ऐसे इनिशिएटिव आ रहे हैं। सो आई थिंक रादर देन कि टिकट्स एकदम से फ्री कर दें, उससे ज़्यादा उनको ये करना चाहिए जैसे बसेज हैं, अगर लड़कियां बस से ट्रैवल कर रही हैं तो उनको आई थिंक कंडक्टर जो हैं वो फीमेल कंडक्टर्स रखना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक लड़की रात को ट्रैवल कर रही है तो वो थोड़ा सेफ फील करेगी कि चलो मेरे साथ एक फीमेल है जो कंडक्टर है जो वहाँ वर्क करती है, उन ड्राइवर वगैरह के साथ रहती है, सो एटलीस्ट उसको सेफ फील होगा। या जैसे ये लोग मेट्रो में फ्री की जगह, अब जैसे मेट्रो स्टेशन से मेरा घर जो है अराउंड 500 मीटर टू 1 किलोमीटर है, अगर मैं रात को 10 बजे आती हूँ 11 बजे आती हूँ तो मैं अपने भाई को बुलाती हूँ या मैं अपने पापा को बुलाती हूँ, अगर मैं काम से आ रही हूँ कहीं से भी। सो मुझे लगता है कि मेट्रो को फ्री करने की जगह वो क्या कर सकते हैं, वो उधर से लेके अपने घर तक का जो कम्यूट डिस्टेंस है वहाँ पे चाहे ऑटो ड्राइवर्स फीमेल ऑटो ड्राइवर्स कर दें या वहाँ पे अगर कुछ कर सकें तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा रादर देन मेट्रो में या वहाँ।
बसेस में. सो आई थिंक इनको ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए, या बस में सीसीटीवी कैमरास लगा दें, या सीसीटीवी कैमरा की क्वालिटी अगर मेट्रो में है वो थोड़ी इम्प्रूव कर दें. सो आई थिंक थोड़े ऐसे इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेने चाहिए रादर देन एकदम फ्री कर दें, क्योंकि फ्री करने से आपकी ईव टीजिंग और ऐसे इंसिडेंट कम नहीं होंगे. यू नीड टू टेक स्टेप्स कि आप इनको कैसे रिड्यूस कर सकते हो, सिक्योरिटी मोर कैसे प्रोवाइड कर सकते हो गर्ल्स को. और आज की लास्ट गेस्ट है लुबना. आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है विमेन सेफ्टी के ऊपर. यू नो, हम इंडिया के बारे में ऐसा बोलते हैं, दिल्ली के बारे में ऐसा बोलते हैं, बट मैं बाहर की कंट्रीज में भी गई हूँ, अकेली ट्रैवल किया है मैंने, लेकिन हमें वहां भी सेफ रहना पड़ता है. तो इट्स ऐसा नहीं है कि हम खाली कहे कि दिल्ली इज अनसेफ और यू नो इंडियन सिटीज आर अनसेफ. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हर दुनिया की हर सिटी का एक क्वाइट इलाका होता है जो आपको अनसेफ लगेगा ही. तो अगर आप केयरफुल रहो और आप अलर्ट रहो तो मेरे ख्याल में वो प्रॉब्लम नहीं आएगा. एंड इट्स नॉट गॉट टू डू विद, मुझे लगता नहीं कि ये लड़कियों के लिए है. आई थिंक ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है. सर, आपको खुद को सेफ रखना है और खुद अलर्ट रहना है. एंड ट्राई कर सकते हैं कि रात को यू नो सुनसान जगह पे अवॉइड अगर करें तो आप सेफ ही रहोगे. लेकिन हमारे कॉलेज में आई रिमेम्बर एक वर्कशॉप हुआ था फॉर विमेन. यू नो अगर हम ऐसी किसी सिचुएशन में पड़ जाए तो कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, यू नो उस चीज को कैसे नेविगेट कर सकते हैं, ये हमें सिखाया गया था कॉलेज में. एंड आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी. आई मीन फिजिकल, आई मीन सेल्फ डिफेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट. उस टाइम पर आपका दिमाग हाजिर होना is also very important, क्योंकि you are under shock when a situation, अगर आप किसी ऐसे situation में आ जाते हैं तो आपका mind नहीं काम करता. तो I think वो मुझे बहुत help किया है वो workshop जो हमारे college Loreto College में मैंने पढ़ा है. वहाँ पे उन्होंने organize किया था for all the girls. But मैं जब भी बाहर जाती हूँ country से और मैं देखती हूँ वहाँ पर सब लोग cycles पे commute करते तो मेरा बहुत मन करता है honestly to do that. तो आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली में चेंजेस आए स्पेशली फॉर विमेन, कि वो थोड़ा और सेफ फील करें और थोड़ा एनवायरनमेंट बेटर हो दिल्ली का? आई थिंक एनवायरनमेंट के लिए दोनों मेन एंड विमेन दोनों इम्पोर्टेंट है. दोनों को साथ लेके चलना है. एंड अगर एट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ टाइम अगर हम साइकिलिंग इंक्लूड करें सेंसिबली, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ का वेदर इट्स नॉट, अगर गर्मी में कौन ऑफिस में ऐसे पसीने में या लू के अंदर जाना चाहता है. बट इवनिंग के टाइम पर जैसे हम ऑफिस से बहुत बार जिम चले जाते हैं इवनिंग, तो हम साइकिल करके जा सकते हैं. इट्स अ गुड वार्म अप आई थिंक. इट विल सेव द एनवायरनमेंट आल्सो. आई मीन आई थिंक दैट वुड वर्क, क्योंकि वो हमें अपने देश के हिसाब से सिटी के हिसाब से सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या वर्क करेगा. हम वेस्ट को ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर सकते आई थिंक. That's my opinion. कितनी inspiring conversation थी ना, मुझे तो बहुत मजा आया इन लड़कियों की stories जानने में. मैं बहुत inspired हूँ, बहुत pumped up हूँ, motivated हूँ. और Map of Me एक बहुत ही amazing platform है, जो सिर्फ मुझे ही नहीं inspire कर रहा, वो आपको भी inspire करेगा आपके career growth में, जो इस time पे एक बहुत ही important चीज़ है. ये platform आपके लिए है. मैं अपनी साइकिल लेके पीछे पार्क में enjoy करती हूँ. उतनी देर आप जाइए, sign up कीजिए और मैं आपको मिलूँगी अब next episode में. See ya.